तो आज मैं रेडी हो चुका हूँ क्योंकि आज मेरी सिस्टर आने वाली है, तो मैं उसको जा रहा हूँ बस स्टैंड पिकअप करने के लिए उसे। तो मैं फ्रेंड निकलता हूँ, ठीक है। नमस्ते करो सबको। चिपकारी देखिए पापा को बाय करते करते। बाय बेटा। बाय 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 बाय। फ्रेंड्स देखिए मुझे काफी नीचे जाना है पौड़ियों से, इतना नीचे जाना है मुझे। और प्लस मेरी गाड़ी वो दिख रही है आपको, देखो ये येलो कलर की आपको दिख रही है गाड़ी मेरी एक्टिवा, वो रही, वहां पे जाना है। चलिए अब चलता हूँ सीधा गाड़ी के पास, बनाता हूँ वीडियो। दोस्तों सबसे पहले हम अपनी प्रोटेक्शन यूज करेंगे क्योंकि हेलमेट बहुत जरूरी है, नियम के लिए नहीं क्योंकि अपनी सेफ्टी के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप भी हेलमेट जरूर पहने और सतर्क रहें, सेफ रहें। दोस्तों फाइनली हम निकल चुके हैं आगे। तो फ्रेंड थर्ड काफी थोड़ा उधर रास्ता खराब था इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पाया, तो अब निकलते हैं इस साइड से। और ये है हमारा प्राइमरी स्कूल, इससे स्कूल देख सकते हैं फ्रेंड्स। आपको आइडिया नहीं होगा कि कितनी मुश्किल से वीडियो बनाई जाती है ब्लॉगिंग के लिए। देखिए मैं कहाँ से चला भी रहा हूँ और एक कहाँ से ब्लॉगिंग भी कर रहा हूँ, जिसके कारण काफ़ी कैमरा हिल रहा है और पिक्चर्स भी काफ़ी हिल रही है। तो प्लीज़ फ्रेंड इसके लिए सॉरी। दोस्तों हमें यहाँ से लेना पड़ेगा लेफ्ट टर्न क्योंकि रास्ता बरसात काफ़ी था, तो कल रास्ता ख़राब हो गया है, तो आज हम इधर निकलेंगे। ये दोस्तों यह जीरकपुर का जो शिमला की तरफ चली जाती है, ये नेशनल हाईवे है और हम नेशनल हाईवे पे खड़े हैं सर। आप देख सकते हैं क्या नज़ारा है नेशनल हाईवे का, यहीं से शिमला के लिए मेन रोड सड़क है। और ये देखिए आप इतना अच्छा व्यू है यहाँ का, देखिए। और हम लेट ना हो जाए निकल लेते हैं क्योंकि आज डेरा बसी पहुँच चुकी है, ठीक है फ्रेंड्स। लीजिए फ्रेंड्स अभी सिस्टर का कॉल आया है कि उस वो बस में उतरी नहीं जीरकपुर में, वो थोड़ा सा आगे निकल गई है, तब मुझे आगे की तरफ जाना पड़ेगा। चलिए फिर आगे चलते हैं। वो फ्लाईओवर के ऊपर चली जा चुकी है, अब हमें और कहीं से उसको पिक करना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स गंदा नाला, और मैं आपको दिखाऊंगा बिग बाजार, बिग बाजार दिख रहा है आपको, ये बिग बाजार है और यहाँ पे मजदूर लोग बैठे हुए हैं। ये जीरकपुर का लेबर चौक है, ये है थार जारी देखो, और ये है जीरकपुर का बस स्टैंड। दोस्तों अभी रेड सिग्नल है तो थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा और ग्रीन सिग्नल होने का इंतजार करते हैं हम। थोड़ा सा व्यू ले लेते हैं हम साइड का, देखिए ये फ्लाईओवर है। व्यू लेने के चक्कर में ग्रीन सिग्नल हो चुका है और गाड़ी भी आगे निकल चुकी है। हमारा लाइट ग्रीन हो चुकी है। दोस्तों बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है मुझे ट्रैफिक के लिए, और एक हाथ से ब्रेक भी कैसे लगाऊं, बहुत दिक्कत आ रही है। फिर भी फ्रेंड्स आप लोग सपोर्ट नहीं करते मुझे, इसका बहुत दिक्कत है। चल भाई चल 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 चल। फ्रेंड्स मेरी सिस्टर गलत जगह उतर चुकी है, अब मुझे ढूंढना पड़ेगा किस साइड उतरी किस साइड नहीं। फिलहाल मैं उससे कॉल करता हूँ, ठीक है, फिर इसको ब्लॉग बनाता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स मिलने के बाद। दोस्तों फाइनली मैंने अपने सिस्टर से बोल दिया था कि लाइव लोकेशन सेंड कर दे मुझे और मैं देख लूँगा, क्योंकि वो एग्जिट लोकेशन बता नहीं पा रही है वो कहाँ उतरी है। तो लाइव लोकेशन लेने के बाद अब मैं देख रहा हूँ उसको, ये ITBP काफ़ी ज़्यादा आगे उतर चुकी है चंडीगढ़ ट्रिब्यून कॉलोनी के पास, और जीरकपुर काफ़ी पीछे रह गया। और आप देख सकते हैं मैं, ये ब्लू वाला मेरा है और सिस्टर का फेस आ रहा है, वो काफ़ी दूर है। चलिए फ्रेंड फाइनली मैंने इसको देख लिया है, अब चलता हूँ पिकअप करने के लिए। दोस्तों फाइनली हम चंडीगढ़ में इंटर करने वाले हैं और ये चंडीगढ़ का बॉर्डर स्टार्ट होता है।
दोस्तों मैं फाइनली पहुंच चुका हूं और टिफिन कॉलोनी रेड लाइट अभी है, तो मैंने सिस्टर को देख लिया अपने, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा ग्रीन सिग्नल होने का। फाइनली फ्रेंड मैं सिस्टर को पहुंच चुका हूं और ये देखिए मेरी भांजी खड़ी है जो बड़ी है, इसका नाम भूमिका है और ये गोद में है तो यशिका है। ये रही मेरी सिस्टर। फ्रेंड्स ये सिस्टर मेरी, ये भी जीन से आ रही है, मैं इसको लेने आया हूँ क्योंकि रक्षाबंधन था तो रक्षाबंधन पर ही आई है। यशु कैसा भूमि बेटे, ठीक हो आप? नमस्ते, कोई बात नहीं। चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले इनको मैं लेता हूँ क्योंकि धूप काफ़ी हो रही है और काफ़ी दूर से आ रहे हैं लोग, तो भूखे प्यासे भी होंगे, तो सबसे पहले इनको बैठाता हूँ। दोस्तों फाइनली मैंने अपने सिस्टर को बैठा लिया है, तो फाइनली फ्रेंड अब हम निकलते हैं घर की तरफ। दोस्तों अब आगे व्लॉग सीधा घर की होगी क्योंकि काफ़ी दूर भी जाना है और मैं अकेला तो नहीं हूँ क्योंकि अब सिस्टर भी है, बच्चे भी हैं, तो मैं रिस्क लूँगा नहीं क्योंकि गाड़ी चलाना और एक हाथ से ब्लॉग बनाना तो पॉसिबल नहीं है। तो फाइनली दोस्तों हम घर पहुँच चुके हैं अब, ठीक है। और सुबह मैं घर पर निकला था, घर से तो कुछ खाया हुआ नहीं था, तो अब मेरा खाना भी आ गया देखो, तो अब खाता हूँ और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।